हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस की को करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि पिछले 15 दिनों से या पिछले 14 दिनों से आपकी एक सीरीज चली हुई है जिसका नाम है टॉप 30 सीरीज। इसमें हम हर रोज एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, जैसे हिंदी, ईवीएस और सीडीपी, और एक दिन में 30 क्वेश्चन करते हैं एक सेट में, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, सबसे पहली बात तो इन प्रैक्टिस सेट को लगाते हुए, कि जो पेपर का पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान में ये भी रखनी है कि इससे आपको पता चलेगा आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं, यानी आपकी तैयारी कितनी है, आपकी जो कमी है वो किन टॉपिक्स में है। आप उनको क्या करेंगे, यहाँ पर उनकी पहचान करेंगे। और इसके बाद जैसे ही मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन करवाऊंगी शुरू से आखिर तक पूरा सिलेबस, तो तब आप उन टॉपिक्स पर और ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं आज के टॉप 30 क्वेश्चंस की हिंदी के। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जाते हुए, उससे पहले एक बार लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं, आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना होगा। ऑप्शन ए, ग्रामीण भाषा का शब्द। ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा के शब्द को संकर शब्द कहते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द। या फिर ऑप्शन नंबर डी, दो भाषा से मिलकर बने शब्दों को या दो भाषा के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। तो सही जवाब देने वाला अपने आप को यहाँ पर एक पॉइंट बोनस का देगा। जल्दी से आंसर करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, संकर शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्तों, संकर शब्द हम किसे कहेंगे, जो शब्द दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है वह कहलाता है संकर शब्द, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, आप लोगों ने अच्छे से इसका आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए उसमें हम किस प्रत्यय का प्रयोग करें ताकि जो सुत शब्द है ये स्त्रीवाचक में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि सुत का मतलब होता है बेटा और ये पुल्लिंग शब्द है, हमको इसको स्त्रीलिंग बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ईया जोड़ करके इसमें सुत धन या ईय करेंगे, या फिर ई जोड़ेंगे इसमें, इक जोड़ेंगे या आ जोड़ेंगे, आप करके देख लीजिए तो आपको सही से समझ आ जाएगा। जैसे सुत धन ई है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर सुती है तो ये तो कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें हम ई जोड़ दे तो ये सुती बन जाएगा, तो ये भी कोई शब्द नहीं है। बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो सुत धन इक जोड़े हम सुतिक बन जाएगा, तो ये भी कोई शब्द नहीं है जो कि कुछ सेंस देता हो। और खासकर इसका स्त्रीलिंग बताना है तो सुत धन आ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सुता बन जाएगा। और सुता किसको कहते हैं, किसे कहते हैं, ये इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा सुत का, ठीक है, बिल्कुल। और सुता जो है वो स्त्रीवाचक हो जाता है, बेटी को कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसका ऑप्शन सही छांट सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नाक का बाल होना यानी ऑप्शन ए, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अत्यधिक प्रिय होना या पालतू होना, ये एक मुहावरा है और इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। अब आज से आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आप देखो इसमें से एलिमिनेशन मेथड लगाओ। ऑप्शन ए, अधिक समीप होना, तो ये इसका बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा। अधिक समाप होना यानी नाक का बाल होना, ऐसा हम नहीं कह सकते।
तो ऑप्शन ए गलत हो गया। इसके बाद डी को निकाल दो, पालतू होना, क्या नाक का बाल होना पालतू होना होता है? तो आप कहेंगे नहीं, ये भी इसका बिल्कुल नहीं हो सकता। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, कष्ट देना, और सी है अधिक प्रिय होना। अब इन दोनों में से एक बार आप लोग सेलेक्ट करके मुझे बताइए कि आपके अनुसार सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा। 33वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देखिए, नाक का बाल क्या कष्ट देता है? अगर नाक में बाल है तो क्या वो कष्ट देगा? नहीं, वो क्या होगा, अत्यधिक प्रिय होगा। आप किसी को ऐसे निकालने नहीं देंगे उसे, जब निकालेंगे तो कष्ट होगा, लेकिन नॉर्मली वो कष्ट नहीं देता है। वो कैसा होता है, अत्यधिक या अधिक प्रिय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है आपसे, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा नहीं है। तो पहले वही छाट लीजिए जो जो है। ऑप्शन ए घोड़ा, क्या अश्व का पर्यायवाची घोड़ा होता है? तो बिल्कुल होता है। घोटक होता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, घोटक भी कहते हैं घोड़े को। ठीक है, ये इसका तत्सम रूप हो जाता है घोटक, घोड़े का, तो ये भी हो गया फिर तो इसका। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, है भी पर्यायवाची होता है अश्व का। बाकी बचा क्या ऑप्शन नंबर सी, कटक, तो कटक यहाँ पर इसका पर्यायवाची दोस्तों नहीं होता है। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसको हम क्या कहेंगे, या उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है कि जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है। ऑप्शन ए अस्थिर, बी अडिग, सी यायावर, या डी गतिशील। 35वें प्रश्न का सही उत्तर फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके अनुसार क्या होगा सही जवाब। देखिए दोस्तों, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो शब्द है ऑप्शन नंबर सी यायावर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, यायावर। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकता उसको यायावर कहते हैं। याद कर लेना, बहुत अच्छा है ये। अगर नहीं था आपको तो अभी के अभी इसको याद करिए, क्योंकि ये पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चले, यहाँ आपसे पूछा गया है, बुंदेली हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, या राम नरेश त्रिपाठी। आपने ये वाली जो कविता है ये अपने बचपन में अपने पुस्तक में आपने जरूर पढ़ी होगी, हर किसी ने ये पोयम पढ़ी हुई होती है, पोयम नहीं कह सकते आप इसको। ठीक है, ये जरूर पढ़ी होती हुई होती है ये रचना। तो आप बताएंगे ये किसके द्वारा लिखित है? तो सही जवाब बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के आने शुरू हो गए हैं, ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान, या सुभद्रा कुमारी चौहान इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इन्होंने ही लिखी है, वीर रस की कविता है। आगे चलते हैं, समास का अर्थ है, समास का क्या अर्थ होता है, संक्षेप या विच्छेद? तो समास का यहाँ पर अर्थ पूछा है, ना कि विलोम, तो ध्यान से करिएगा, सी विस्तार, या डी नवीन अर्थ। तो बताइए समास का क्या अर्थ है, समास को और क्या कह सकते हैं आप? देखिए, संधि का विलोम होगा विच्छेद, समास का विलोम हो जाएगा विग्रह। ठीक है, और अर्थ क्या होगा समास का, तो फिर इसका जवाब क्या हो जाएगा, संक्षेप। ठीक है, संक्षेप होता है समास का अर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपने बताया एकदम सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, भाषा के संबंध में जो हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं उसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन देखो फटाफट से। ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निदान करना। तो बिल्कुल सही लग रहा है ऑप्शन ए, बाकी आगे वाले ऑप्शन भी देख लेंगे क्योंकि सबसे अच्छा ढूंढना होता है। बी है बच्चों को व्यस्त रखना, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। सी है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, तो आप बच्चों को बांटेंगे नहीं,
आज के समय की शिक्षा समावेशी शिक्षा पर जोर देती है, ना कि उनको विभक्त करने में। ठीक है, बच्चों को एक स्थान पर और एक साथ एक जैसी शिक्षा प्रोवाइड करी जाए तो वहाँ पर समावेशी शिक्षा, सबको शिक्षा का अधिकार बराबर मिले, उस पर यहाँ पर आज के समय पे जोर दिया जाता है। डी है बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना। तो एक अध्यापक होने के नाते आपको उनकी केवल सूची नहीं बनानी है, उनकी पहचान कर उनका निदान भी करना है। तो यानी यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो ए ही हो जाएगा, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाई की पहचान कर उसका निदान करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से एक नहीं आता है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है वो आपको देखना है। सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो आपको मैंने बताया हुआ है जो लर्निंग स्किल्स होते हैं वो चार होते हैं। भाषाई कौशल कितने होते हैं? चार होते हैं, LSRW, है ना, या सुबोपाली। अगर हिंदी में कहना है आपको तो सुबोपाली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो ट्रिक है याद करने की, इसका मतलब क्या है तो वो भी समझ लीजिए। LSRW से, L से क्या हो जाएगा, लिसनिंग यानी सुनना। दूसरा कौशल कौन सा है, स्पीकिंग यानी बोलना। तीसरा है रीडिंग यानी पढ़ना, और चौथा है राइटिंग यानी लिखना। तो ये भाषा के कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये चार इसके क्या है, आपके भाषा के कौशल है। अब देख लो इनमें से कौन सा नहीं दिया गया है। तो हंसना कोई कौशल नहीं होता भाषा का, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन ए 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 26 जनवरी को। बड़ा आसान सा यहाँ पर ऑप्शन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज करने वाले नहीं दिए गए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आप जानते हैं तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो अगर उन दोनों की डेट यहाँ पर सेम डेट यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन में होती तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत कर देते, लेकिन यहाँ तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे कि इसका सही जवाब होगा 14 सितंबर को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अच्छा, ये कौन बताएगा कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में बताओ अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को तो हो गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतरराष्ट्रीय मैंने आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, काव्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। क्या ये काव्य शिक्षण का उद्देश्य है कि उसमें आने वाले जो विराम चिन्ह है वो बच्चा सीख जाए, या फिर बी व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना बच्चे को, क्या ये उद्देश्य है काव्य शिक्षण का, या सी संगीत कला में निपुण बनाना, या फिर डी रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। आप बताइए क्या होगा, सही जवाब आपको चुनना है बिल्कुल एकदम अच्छे से ध्यान रखते हुए। देखिए दोस्तों, पहले ऑप्शन में बताया गया है कि केवल आप उसमें क्या करेंगे, विराम चिन्हों से परिचित कराएंगे। तो विराम चिन्हों से परिचित कराना था तो काव्य शिक्षण की क्या जरूरत थी। अब काव्य शिक्षण में व्याकरण के नियमों को सिखाने की या उनको जानकारी देना तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। संगीत कला में निपुण बनाना है तो काव्य शिक्षण क्यों करेंगे, उसको संगीत से संबंधित वो वाली चीज़ें सिखाएंगे जो बेसिक्स है उसके। अब बचता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें बताया गया है कि रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। तो जिन बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं उनको यहाँ पर ना तो व्याकरण के नियमों की जानकारी चाहिए, ना ही उन्हें विराम चिन्हों से परिचित होना है, उन्हें क्या होना है, रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराने से आपका यहाँ पर उद्देश्य होता है काव्य शिक्षण करने का। क्योंकि अगर आपको व्याकरण के नियम बताने हैं तो आप व्याकरण पढ़ाएंगे, ना कि काव्य शिक्षण करेंगे। तो काव्य शिक्षण का यहाँ पर उद्देश्य रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना ही सही है, डी ऑप्शन।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपको ढूंढना है कि कौन से वाक्य में विशेषण है। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है, विशेष्य की विशेषता की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए, राम जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है जो कि विशेषता बताए। सीता फल खाती है, इसमें भी किसी विशेषण का यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखो, ऑप्शन सी है, मेरी गाय काली है। तो काली क्या है? गाय की विशेषता है, ठीक है। गाय विशेष से है और विशेषण क्या है? काली है। तो उसमें बताया उसकी विशेषता कि गाय कैसी है, भाई गाय है काली, काली है गाय, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल गया विशेषण और आपको यही छांटना था कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से आप क्या समझेंगे? कि अगर आप कक्षा में नाटक शिक्षण के दौरान अभिनय करवा रहे हैं, उस प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए है, शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है कक्षा अभिनय प्रणाली से, यानी बच्चों पर एक्ट करवाना। बी है, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय में सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, क्या इसलिए प्रयोग करते हैं। या फिर सी, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर बच्चे का समय व्यर्थ होता तो क्यों अपनाते इस प्रणाली को, है ना। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सी ऑप्शन है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ना, तो विपरीत प्रभाव पड़ता तो फिर ये प्रणाली क्यों ही बनाई जाती, कुछ ना कुछ तो अच्छा होना चाहिए इससे। तो सी बी ऑप्शन में आप लोग देखेंगे कि पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय में सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चे उस चीज में बिल्कुल एक्टिवली वर्क करते हैं जब उन्हें कक्षा में अभिनय करने को कहा जाता है, ठीक है। वो अपने अपने जो उनके हिस्से में जो पात्र आता है जिसकी उनको एक्टिंग करनी होती है, उसको बहुत अच्छे से वो समझते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है निम्नलिखित शब्द में। अब किसमें हुआ है अधिकरण कारक का प्रयोग, वो आप बताएंगे। अधिकरण कारक क्या होता है? देखिए, कारक जो है हमारे कौन कौन से होंगे? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने के लिए, संबंध का, की के, और अधिकरण में, पर, ऊपर। तो आपको ढूंढना ये है इस इन चारों शब्द में कि में, पर, ऊपर, जब हम इन्हें विच्छेद करेंगे, में, पर या ऊपर शब्द निकलना चाहिए, ठीक है, विभक्ति कारक की विभक्ति करने पर। तो जैसे वाहन रोड, क्या इसमें आपका अधिकरण कारक होगा? जैसे गंगा जल, गंगा का जल, है ना। तो यहाँ तो का विभक्ति आई, तो का तो संबंधवाचक हो जाएगा या संबंध कारक हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं, तो देख के बताइए मुझे आपके अनुसार इसमें क्या हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। डी ऑप्शन देखो, रेखा चित्र, रेखा का चित्र। अब ऑप्शन ए को देखो फिर से, वाहन रूढ़। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? वाहन पर आरूढ़, ठीक है, वाहन पर आरूढ़, ये इसका विग्रह होकर के बनेगा। तो आप देखेंगे इसमें किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पर। तो में, पर, ऊपर किस में आता है? अधिकरण कारक में। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वाहना रोड, ठीक है, इतना सही है। और अगर समास पूछ ले इसमें कौन सा है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिसमें भी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वहां तत्पुरुष समास आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? कौन से रस को रसराज कहते हैं? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग कौन सा चुन रहे हैं? बिल्कुल सबका सही जवाब है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद कौन से युग से संबंधित है? आदिकाल से, भक्ति काल से, रीति काल से, या भारतेंदु काल से?
तो किस ऑप्शन के साथ दोस्तों आप जाएंगे, आप लोग अपना उत्तर दीजिए। बिल्कुल इसमें सही जवाब अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लिया करिए ऐसे क्वेश्चन को। ये रीति काल से संबंधित या रीति काल युग के कवि माने जाते हैं घनानंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है इसे बहुत लोग गलती करते हैं और ये पेपर में बढ़ चढ़ के पूछा जाता है आपका यही वाली वर्तनी। तो मुझे सही से बताइए आप लोग कि आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, ठीक है, आशीर्वाद को कैसे लिखते हैं। सही ऑप्शन आप लोग चुनिए, क्या हो जाएगा। देखिए आशीर्वाद की जो सही वर्तनी होती है वो कैसी होती है, आशीर्वाद, ठीक है, शी के बाद र आना चाहिए। देखिए बोल के देखिए आशीर्वाद, तो इससे पहले आने के लिए हमें व के ऊपर र लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी सही वर्तनी हो जाती है आशीर्वाद की। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है आशीर्वाद सही से। आगे चलते हैं, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। आपको पूछा है कारक चिन्ह, कारक चिन्ह पूछा है, तो कौन सा कारक है जिसमें को विभक्ति आती है, तो आप ही देख लीजिए, कर्ता ने कर्म को। तो आप यहाँ पर कहेंगे दोस्तों कि कर्म के साथ को वाली विभक्ति आती है, कर्म कारक के साथ। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, हमें अन्य को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पर। यहाँ आपसे पूछा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है, इनका उपनाम क्या है। हरिओद के नाम से जानते हम इनको, निराला, निराला तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी जी का है, ठीक है, अज्ञे या गुलेरी, ये बहुत पूछा जाता है आपसे इनका उपनाम, ठीक है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका क्या होगा, ये आपसे यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर पेपर है तो ध्यान से आंसर करिए, बिल्कुल ये प्रश्न रिपीट होते हैं, टीचिंग एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है ये बात। आप लोग जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है, आपको उतनी ही हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञे, ठीक है, इनको अज्ञे इनका उपनाम है। अगला प्रश्न है, बिहारी के प्रसिद्ध है, बिहारी के प्रसिद्ध है क्या, बिहारी एक कवि है, उनके क्या प्रसिद्ध है, कवित, सवैया या फिर पद या उनके लिखे हुए दोहे, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए इन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो बिहारी के दोहे प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, दोहे, डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, वेल डन। नेक्स्ट है दोस्तों, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कर पाएगा। पुनर्जन्म में आपको संधि विच्छेद करना है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करना है, कैसे करेंगे देखते हैं किसको कितना यहाँ पर सही से उत्तर मिलेगा। और इसमें आपको संधि भी बतानी है कौन सी संधि है पुनर्जन्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपको सही जवाब देना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बता देती हूँ कि यहाँ पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, बताइए, पहले आप बताइए फिर मैं आपको बताती हूँ, पहले आप तो थोड़ा ट्राई करिए। स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी या फिर विसर्ग संधि होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है विसर्ग संधि, अब आपको ढूंढना है कौन सा ऑप्शन सही है। विसर्ग तो दो जगह लगा हुआ है, यहाँ और यहाँ पर। देखिए पुनर्जन्म है तो आ लगना यहाँ पर बेकार है, सही विच्छेद हो जाएगा पुनः धन जन, ठीक है, इसको कहेंगे पुनर्जन्म। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए एकदम सही है। अगला है, शोक किस रस का स्थाई भाव है। आपको 9 के 9 रस का स्थाई भाव पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है। तो अब मुझे आप लोग इसका आंसर दे दीजिए, शोक रस का स्थाई भाव क्या हो जाएगा, शांत, करुण, हास्य, वीर। देखिए शोक मतलब क्या होता है, दुखी वाली बात है, तो वहाँ पर वीर रस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हास्य का नहीं, वहाँ पर बैठ के हंसेंगे नहीं, है ना, या तो शांत होंगे या करुण होंगे, इन दो में से अब आप बताइए। शोक रस का स्थायी भाव ना ही शांत होगा बल्कि क्या होगा, करुण होगा, ठीक है, करुण इसका भाव होगा, स्थायी भाव शोक का। आगे चलते हैं, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है। सूर सागर की रचना किस भाषा में की है, अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली में या राजस्थानी में। देखिए
सूर सागर किस रचना की की रचना किस भाषा में हुई है, सूरदास ने की है, राजस्थानी इसमें नहीं होगा। खड़ी बोली के कवि भी ये नहीं थे। अवधी और ब्रज भाषा में से आपको चुनना है। इतना काम मैंने आपके लिए आसान कर दिया, तो अवधी भी नहीं है बल्कि क्या हो जाएगी, ब्रज भाषा में। ठीक है, इसकी रचना की गई है ब्रज भाषा में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, दोहा में कितनी मात्राएं होती है, दोहे में कितनी मात्राएं होती है, 24, 26, 28 या फिर 23। सही जवाब दो क्वेश्चन नंबर 54 का, कितनी होती है। और दोहा कैसा छंद है, देखिए दोहा एक कैसा छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है, जिसमें समान मात्राएं होती है, दोहे में समान मात्राएं होती है। और कितनी मात्राएं होती है अगर ये पूछा जाए, जैसे कि प्रश्न में पूछा ही गया है, तो इसमें 24 मात्राएं होती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए आपको एक शब्द बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कुलीन कहेंगे, समृद्ध कहेंगे, धनी कहेंगे या फिर कृपण कहेंगे। आंसर दीजिए फटाफट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसको कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं। नेक्स्ट है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दाता का स्त्रीलिंग बहुत बड़ा पूछा जाता है आपसे। ठीक है, दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, दाती होगा, दात्र होगा, दात्री हो जाएगा या धात्री हो जाएगा। यहाँ पर इसका उत्तर जल्दी से आप लोग करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पर गलती किस किस क्वेश्चन में ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। वो चीज़ अगर सही हो जाए तो आपका यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर अपने आप होने लगता है, अगर आप आते आते प्रश्नों को गलत ना करें। तो दाता का क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा इसका, दात्री हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा। अब दोस्तों आपके पेपर में अपादान कारक से भर भर के सवाल आते हैं। अब कारक में अगर सवाल आता है तो आपका 70% चांस है कि वो अपादान कारक से आपसे पूछेगा। ठीक है, और जहाँ पर आपका अलग होने की सेंस में से का प्रयोग कर रहा हो, अलग होने की सेंस मतलब जैसे लड़का पेड़ से गिरा या बिल्ली पेड़ से कूदी या बिल्ली छत से कूदी, तो वो क्या हो रही है, छत से अलग हो रही है, लड़का पेड़ से अलग हो रहा है गिरने पर, तो वहाँ कौन सा कारक आता है, वहाँ आता है आपका अपादान कारक, क्योंकि अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, से विभक्ति होती है, और वो भी अलग होने के सेंस में। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पापी में कौन सा विशेषण है, पापी में विशेषण बताना है। क्या ये संख्यावाचक विशेषण है, क्या इसमें कोई संख्या आपको दिख रही है, नहीं, तो साथ के साथ कट करते हुए चलिए, एलिमिनेट करते हुए चलिए, ये तो नहीं होगा। सार्वनामिक विशेषण, क्या इसमें आपको सर्वनाम दिख रहा है, पापी, पापी शब्द कैसा शब्द है, क्या ये कोई सर्वनाम है, तो आप कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है, गुण है, किसी का गुण बताया जा रहा है कि वो कैसा है, पापी है, अच्छा है, बुरा है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सभी गुण होते हैं। तो जहाँ गुण आपको पता चल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण ही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आपने करेक्ट किया है सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की सलज नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको अलंकार बताना है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी, तो इसमें क्या होगा, उपमा होगा, रूपक होगा, श्लेष होगा या फिर उत्प्रेक्षा होगा। ध्यान से देखिए, आपको इसी में इसका जवाब मिल जाएगा, किस तरीके से कौन सा ऑप्शन होगा ये भी मैं आपको समझाऊंगी। 59 का आपको आंसर करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे नीरद सी, तो जहाँ पर सी, जैसी इन शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। और जहाँ पर मनो मानो मनुहु जानो जनहु इस तरह के शब्द आपको कहीं पूरे पूरे उस वाक्य में मिल जाए, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, और यहाँ पर उपमेय का उपमान में जो अभेद आरोप होता है वहाँ रूपक होता है, श्लेष का अर्थ चिपकना होता है, तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन ए है।
अगला है लास्ट क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है, बीजक किसकी रचना है आपको बताना है। बड़ा अच्छा और आसान सा प्रश्न है, सूर की, तुलसी की, कबीर की या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की। तो 60 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बीजक किसकी रचना है, बताओ फटाफट से, सूर की, तुलसी की या कबीर की। तो कबीर की रचनाएं हैं बीजक, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब आपको बताना है आपका टोटल स्कोर कितना रहा, 30 प्रश्नों में से आप कितने सही कर पाए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर आपको क्लास पसंद आई है वो भी आप मेंशन किया करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, आपके लिए और अच्छा करने के लिए मुझे तत्पर कर सकते हैं। क्लास पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए। मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।